आपके घर का बिजली का बिल आया? आगे नहीं, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। मैंने आपके जाना है बेटा बन के आपके बिजली का बिल भर दिया, आपको नहीं भरने दिया। आपका पानी का बिल आया? मैंने आपके घर का बेटा बन के आपका पानी का बिल भर दिया, आपको नहीं भरने दिया। अपने घर में जितने बच्चे थे, छोटे बच्चे, सारे बच्चों के स्कूल का इंतजाम कर दिया मैंने। घंटा हटा आपका बड़ा बेटा बनके, अपने घर में कभी कोई बीमार हुआ उसके इलाज का इंतजाम किया, और अपने घर का बड़ा बेटा बनके अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, कराई नहीं कराई। दोस्तों, अब ये सारे जने इकट्ठे हो गए हमारे दिल्ली वालों के खिलाफ। ये सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, पता नहीं कहां कहां से पार्टियां आई हैं, पूरे देश की सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई। क्यों इकट्ठी हो गई? दिल्ली वालों को हराने के लिए आए हैं आप ये लोग, आपके बेटे को हराने के लिए आए ये लोग। और दोस्तों, अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ये अपने 200 एमपी लेके आएंगे दिल्ली वालों के पास, 200 एमपी लेके आएंगे। सत्तर केंद्रीय मंत्री लेके आएंगे। इनके भाजपा के 11 मुख्यमंत्री आएंगे। बड़े बड़े धुरंधर लेके आ रहे हैं बीजेपी वाले। दिल्ली वालों ने तो इनका साथ दिया नहीं, अब ये सारे बाहर से लेके आ रहे हैं, 200 एमपी लेके आ रहे हैं, 70 मंत्री लेके आ रहे हैं, 11 मुख्यमंत्री आ रहे हैं इनके। क्यों आ रहे हैं जी? आपको हराने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली वालों को हराने के लिए आ रहे हैं, आपके 5 साल के काम को हराने के लिए आ रहे हैं, आपके बेटे केजरीवाल को हराने के लिए आ रहे हैं ये सारे। ये हम सब लोगों का अपमान करने के लिए आ रहे हैं। अभी आएंगे और कहेंगे तुम्हारे स्कूल खराब हैं, ये आएंगे कहेंगे तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक खराब है, तुम्हारी बिजली खराब है, तुम्हारा पानी खराब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चुप रहोगे तुम लोग? दिल्ली वाले अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे? ये पूरी दिल्ली में घूमेंगे इनके एमपी, पूरी दिल्ली में इनके मुख्यमंत्री घूमेंगे। आपके इलाके में आए तो इनसे पूछना, सर जी कौन से स्टेट से आए हो? पूछोगे? सर जी कौन से राज्य से आए? वो बताएगा अपना राज्य। बोलो जी पधारो दिल्ली में, आपका स्वागत है। फिर पूछना जी ये जो खड़े हो इस सड़क का नाम क्या है? दिल्ली के बारे में कुछ पता है? नहीं पता, यूं ही आ गए? फिर इनसे पूछना, सर जिस राज्य से आए हो वहां बिजली कितने घंटे आती है? पूछना इन लोगों से। ये इनके मुख्यमंत्री आएंगे, इनके सांसद आएंगे, इनके केंद्रीय मंत्री आएंगे बीजेपी वालों के। इनसे पूछना, भाई साहब आपके राज्य में कितने घंटे बिजली आती है? वो कहेगा 4 घंटे दिन में। कहना हमारे यहां से 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन ये फिर उनसे पूछना, भाई साहब आपके यहां बिजली किस रेट पे आती है, किस दाम पे आती है आपके यहां बिजली आपके राज्य में? वो कहेगा 10 रुपए यूनिट। बोलो जी दिल्ली में तो बिजली फ्री है कि नहीं है? फिर उनसे पूछना कि भाई साहब आपके यहां पानी किस रेट पे आता है महीने में? आपके राज्य में एक आम आदमी के परिवार का कितना पानी का बिल आता है? वो कहेगा 2000 रुपए। आप कहना जी दिल्ली में तो पानी मुफ्त है। फिर उनसे पूछना,
कीजिए, जिस राज्य से आए हो उस राज्य में कितने मोहल्ला क्लिनिक हैं। वो कहेगा ये क्या होता है, तो बोलना जी चलो मैं दिखा के लाता हूँ हमारा मोहल्ला क्लिनिक। उनको दिखाना मोहल्ला क्लिनिक, फिर उनसे पूछना जी आपके राज्य में सरकारी स्कूलों के नतीजे कितने आए। वो कहेगा 40%। बोला हमारे बच्चों के 96% नतीजे आए हैं, आएंगे। फिर उनको कहना जी बाबूजी राम राम, चाय पियो, अपने राज्य में जाओ, अपने राज्य को संभालो, दिल्ली वालों को भाषण देने की जरूरत नहीं है। उनको चाय पिला के अपने राज्य में वापस भेज देना, बोलो दिल्ली वालों को आपके भाषण की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए हम दिल्ली वालों को हराने के लिए, आपके बेटे को हराने के लिए। मेरा क्या कसूर है? मैं कहता हूं मैं स्कूल ठीक करूंगा, ये सारे मिलके कहते हैं केजरीवाल को हराएंगे। मैं कहता हूं मैं अस्पताल ठीक करूंगा, ये सारे मिलके कहते हैं केजरीवाल को हराऊंगा। मैं कहता हूं मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, मैं बच्चों की पढ़ाई अच्छी करूंगा। मैं कहता हूं मैं बिजली 24 घंटे करूंगा, ये सारे सांसद बीजेपी के, ये सारी पार्टियां मिलकर कहती है केजरीवाल को। दोस्तों ये लड़ाई दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की इनके खिलाफ है। जब ये आए तो इन लोगों को बता देना दिल्ली ने पिछले 5 साल के अंदर कितना विकास किया है। इनको दिल्ली का अपमान मत करने देना, दिल्ली वाले अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको अपने अपने राज्य में वापस भेज देना, सारे दिल्ली का काम बता के। भारत माता की जय।